के मंजीरे आज खनकने लगे। भूले थे चलना कदम थिरकने लगे। अंग अंग बाजे मृदंग सा सुर मेरे जागे। सांस सांस में बास बास में धुन कोई साजे। गाए दिलिये गाने लगा है मुझको आने लगा है खुद पे ही एतबार। महिलाएं कंपैरेटिवली ज्यादा ऑनेस्ट होती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप जो महिलाएं आ रही है कार्य क्षेत्र में, वो जिस दायरे को लेकर जाती हैं, वो बिल्कुल निजी से व्यापक और व्यापक से निजी तक लेकर जाती है। आओगे जब तुम ओ साजना अंगना फूल खिलेंगे। ताल ताल पे ताल ताल दे छूटे हवाएं। खेत खेत में रेत रेत में फैला दीवाएं। भारत की महिला का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। हम दहलीज लांगले की तो बात करते हैं, लेकिन दहलीज लांग के हम कर क्या रहे हैं? बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी शक्ति को पहचान रही हैं, अपनी शक्ति का सदुपयोग कर रही हैं। हर एक नारी बहुत खूबसूरत है, किसी न किसी आयाम में तो वो खूबसूरत है। बच्चे की निगाह से देखते देखते माँ बहुत सुंदर होती है और बहुत अच्छा लगता है माँ को जब ये कहा जाता है मम्मा तुमसे बेटर खाना ना कोई भी बना सकता। फ्रैंकली प्रश्न तो ये होना चाहिए क्या अब लक्ष्मण रेखाओं की जरूरत है? और यहाँ पर हम पुरुष और स्त्री में भेद क्यों करने लगे? हम पुरुष के साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? हम तो पूरक हैं एक दूसरे के। हमारे तो जो भगवान है वही अर्धनारीश्वर है। क्यों इन चीजों पर जाते हैं? युग युगांत के साथ जो स्त्री चेतना है वो विकसित हुई है। मेरे ख्याल से आप सभी जो है इसमें बोलेंगे स्त्री चेतना का विकास हुआ है और ये चेतना जो है आगे भी विकसित होती रहेगी। बहुत सुखद अवसर है और अच्छी अनुभूति है कि आप सबकी उपस्थिति से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ।